लॉकडाउन के दौरान गरीबों की परेशानी काफी बढ़ गई है, जिसे लेकर सरकार, जिला प्रशासन और कई सामाजिक संगठन के लोग प्रयासरत हैं। वहीं जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आईटी सेल के लोगों ने गरीबों को पेट भर खाना खिलाने का काम कर रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने। सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा था वो है गरीबों को, और इस गरीबों को भरपेट खाना खिलाने के लिए सामाजिक संगठन से लेकर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग काफ़ी तत्पर हैं ताकि उनको भरपेट खाना मिल सके। ऐसे में देख सकते हैं कि बन्ना गुप्ता के आईटी सेल के द्वारा ये व्यवस्था किया गया है। ये आप मानगो का क्षेत्र है ये आपका, और ये मानगो के क्षेत्र में आईटी सेल के जो लोग हैं वो डिस्टेंस में बैठाकर लोगों को खाना खिलाने का सुविधा कर रहे हैं, तो काफ़ी सराहनीय पहल है और एक अनोखा तरह से व्यवस्था किया गया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो आपके हाथ में सैनिटाइजर लिए हुए हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज करा रहे हैं और उनको हाथ धुला रहे हैं, उसके बाद खाना का व्यवस्था किया, खाना खिलाने का खिला रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा लाइन में कुर्सियों टेबल पर बैठा कर लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। क्या कुछ खास व्यवस्था किए कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान? आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन का दिक्कत हो गया था, सारे जगह से फ़ोन आ रहे थे कि भैया खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। तो हम लोग बन्ना गुप्ता आईटी सेल डिसाइड किया कि सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन हम लोग सारे लोगों को करवाएंगे, जमशेदपुर के जितने भी लोग हैं, जो लोग भी जहाँ तक हम लोग पहुँचा सक रहे पहुँचा रहे हैं, और जितने लोग बैठा के खिला रहे हैं खिला रहे हैं। और करीब करीब हम लोग 1000 आदमी का पर डे का व्यवस्था रखे हैं, 1000 आदमी को खाना खिलाते हैं। देख सकते हैं कि एक टीम वर्क काम कर रहा है इनका, और बहुत बड़ा एक टीम है जो लोगों को खाना खिलाने के लिए तत्पर हैं, और एक एक निष्ठा दिख रहा है लोगों को खाना खिलाने में। ये जैसे घर में मेहमान खिलाया जाता है उस तरह का व्यवस्था करके खाना खिला रहे हैं, तो माना जाए तो काफ़ी बड़ा एक सराहनीय कदम है। और इसको लेकर देख सकते हैं कि बन्ना गुप्ता आईटी सेल के जो लोग हैं वो काफ़ी तत्पर हैं और इस सराहनीय कदम को लोग सराह भी रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह।